नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल 777 टैरोट पर। आज मैं एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है पता लगाना कि आपके जो ट्विन या सोलमेट हैं वो क्या फील करते हैं आपके लिए। ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी को चेक करेंगे इस रीडिंग के थ्रू, और आप दोनों की एनर्जी को चेक करूँगी मैं, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में, क्या फील कर रहे हैं और क्या आप एक्शन लेंगे इस कनेक्शन के लिए। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और अगर आपके सिचुएशन के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप भविष्य में आने वाली सभी रीडिंग्स को मिस ना करें। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट के बारे में, उनकी एनर्जी चेक करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में। ठीक है, मैं पहले डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी चेक करूंगी, फिर डिवाइन मैस्कुलिन की। ठीक है, आप अपने तरीके से ले लीजिएगा कि आप किस साइड पर हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली सभी रीडिंग्स को मिस ना करें और उसको देखें। तो देखते हैं डिवाइन फैमिली क्या सोच रही है, किस एनर्जी में है। सिक्स ऑफ कप्स, वाटर साइन, हो सकता है वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं या आप वाटर साइन हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। सेवन ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन मैस्कुलिन क्या सोच रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फोर वॉन्ड्स। म्यूचुअल एनर्जी भी ले लेते हैं। क्या है आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी, लेट्स सी। ट्रैवल, ओके, हाउ टेंट, वन ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओके, डिवाइन फेमिनिन जानती है कि आप उन जो भी उनके पार्टनर हैं, जो उनके दिमाग में चल रहे हैं, वही उनके सोलमेट हैं। ठीक है, लेकिन आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो आपकी लाइफ में इन एंड आउट होते रहते हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। ठीक है, यही तो मेन प्रॉब्लम है सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में।
ठीक है, इतना आसान नहीं होता, इतना इजी नहीं होता, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर आपको फील हो जाता है कि आपके सोलमेट है, लेकिन वो उस तरीके से ट्रीट नहीं करते आपको जैसे आप चाहते हैं, ठीक है। तो ये इंसान कई बार आपकी लाइफ में आया है और गया है, ठीक है, इन एंड आउट होता रहा ये इंसान आपकी लाइफ में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर इश्यूज लग रहे हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है कि इस आपके पार्टनर के इश्यूज़ हों, कुछ इनकी मम्मा ना मानती हूँ, ठीक है, मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, या कुछ डिफरेंट कल्चर की वजह से ये इंसान डिसीज़न नहीं ले पाते, आते हैं और चले जाते हैं, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी है, सोलमेट हैं आप दोनों, हैं एक दूसरे के, और ट्विन भी हैं। मुझे ट्विन फ्लेम और सोलमेट, जैसे कि ये रीडिंग का टाइटल ही है, और मुझे यहाँ पे कंफर्म भी है कि आप सोलमेट कनेक्शन में हैं या फिर आप ट्विन हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं चाहता है, ये इंसान चाहता है कि ये अपनी फीलिंग आपको बताए, ये क्या सोचता है, क्या फील करता है, हर चीज़ आपके साथ शेयर करे, ठीक है, अपनी सारी फीलिंग्स के बारे में बताए, और ये आपके साथ अपनी खुशियाँ देखता है, अपना घर देखता है, ठीक है। ये चाहता है कि आपके साथ फैमिली बनाए, शादी हो आपकी, खुश रहें आप दोनों, ठीक है। ये वो सारी एबिलिटी देखता है आप में, कि ये अगर आपकी शादी होती है, ठीक है, आप दोनों की, तो बहुत खुशियाँ मिलेगी आपको, ठीक है, घर होगा, बच्चे होंगे, खुशियाँ होंगी, सब कुछ होगा। तो ये इस लव को मैनिफेस्ट भी करते हैं, इसीलिए ये बार बार आ जाते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। हो सकता है ये इंसान प्लेयर भी हो, इसने दूसरे ऑप्शंस को चूज़ किया हो आपके, आपको चूज़ ना किया हो, लेकिन जो भी है, इनको बार बार ये फील होता है कि नहीं, जो कनेक्शन आपके साथ है वो किसी और के साथ नहीं है, ठीक है, इसलिए ये इंसान इन एंड आउट होते रहते हैं। और आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो ये जो कनेक्शन है, ये बहुत स्ट्रांग है, द डेविल, ठीक है। मे बी आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फील करते हैं, इमोशनली भी और सेक्सुअली भी, तो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और कपल भी यहाँ पर है, जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकती हूँ, ठीक है। तो यस, यू बोथ आर सोलमेट्स और ट्विन, 11-11, फोर ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप दोनों ही चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, ठीक है, और चांसेस हैं आपकी शादी के, क्योंकि यहाँ पर दो मैरिज कार्ड आए हैं म्यूचुअल एनर्जी में। आप दोनों चाहते हैं, आप दोनों की विश है कि आपकी शादी हो, ठीक है, खुशियाँ मिले आपको, कमिटमेंट चाहते हैं आप, लेकिन कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं जो आपके पार्टनर को रोक रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे मदर इश्यूज़ दिख रहे हैं, मदर इश्यूज़ हैं इस इंसान के, मतलब इनकी मम्मा नहीं मानती हैं शायद, और मुझे ये भी दिख रहा है, मे बी आप दोनों ही ना, आपका जो कल्चर है वो डिफरेंट है, ठीक है, कल्चर आपका डिफरेंट है, और जब तक ये इश्यूज सारे शॉर्ट आउट नहीं हो जाएंगे, ये अभी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इनको समझनी होगी सारी चीज़ें, सारी चीज़ों को सॉल्व करना होगा, और लेकिन पर ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप दोनों चाहते हैं कि शादी हो जाए, म्यूचुअल एनर्जी में शादी के कार्ड्स आए हैं दोनों, जो कि ये बता रहे हैं कि आपकी विश है आप दोनों की कि आपकी शादी हो जाए, और ज़रूर हो भी सकती है, ठीक है, क्योंकि 10 of Cups फैमिली कार्ड यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे सारे कप्स होते हैं, इमोशंस के, प्यार के, हर चीज़, यहाँ पे बहुत हैप्पीनेस का कार्ड है ये। तो यस, आप दोनों शादी करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो देखते हैं आपके पार्टनर का एक्शन क्या होगा, ये देखते हैं क्या एक्शन देंगे आपके पार्टनर। प्लीज़ फॉर बताइए डिवाइन मैस्कुलिन प्लैनर एक्शन लेंगे।
क्या एक्शन लेंगे वो फ्यूचर में इस कनेक्शन के लिए। हाई प्रिस्टेस, सिक्स ऑफ वैंड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा डिले है, गॉड डिले है आपकी यूनियन होने में, लेकिन गाइस विक्ट्री आप दोनों को मिलेगी। यस, दिस इज़ योर विक्ट्री, आप दोनों को विक्ट्री मिलेगी, आपके लाइफ में ये खुशियाँ आएंगी। टेन ऑफ कप्स, ठीक है, और डेफिनेटली आप दोनों की शादी भी होगी, ठीक है, आप दोनों की शादी होगी, आप यूनियन में आएंगे। किंग एंड क्वीन, क्वीन एंड किंग, यस। तो यहाँ पर विक्ट्री कार्ड आया है, तो यस, आप दोनों की शादी होगी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो सब रिजॉल्व होंगे, ठीक है। और हाई प्रेस्टेस, यस, अब आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशंस को सुन रहे हैं, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, अभी अपनी इंट्यूशंस को सुनेंगे और आगे के ये स्टेप लेंगे इस कनेक्शन के लिए, और जो भी स्टेप लेंगे उसमें इनको विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। तो डोंट वरी, थोड़ा सा डिले है गॉड की तरफ से सेवन ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये डिले जल्दी ही पूरा होगा, हो सकता है 6 महीने लग जाए या 7 महीने मैनिफेस्ट करेंगे आप दोनों एक दूसरे को, लेकिन विक्ट्री आप दोनों को मिलेगी, ठीक है। तो यस, अगर ये पर्सन अभी इन एंड आउट हो रहे हैं आपके लाइफ में, लेकिन यस, आप दोनों ट्विन हैं, सोलमेट हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप यूनियन में आएँ, और डेफिनेटली आप यूनियन में आएंगे, जैसे कि दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, ठीक है, हायरोफेंट एंड फोर ऑफ वैंड्स। तो यस, मैरिज है, ठीक है। तो डोंट वरी, आप जो अपने काम कर रहे हैं वो कीजिए, और अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, और अपने काम पर फोकस कीजिए, ठीक है। एट द एंड विक्ट्री आप दोनों को मिलेगी, इस कनेक्शन को विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, ठीक है गाइज। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आने वाले सभी नोटिफिकेशंस में आप मेरी रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आप कोई रीडिंग नहीं मिस करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, बाय।